जी यशपाल भी आ गया है। और न्यूज में देख रहा था कि अगले 4-5 दिनों तक ना, चाहे हिमाचल हो, पंजाब हो, पूरा का पूरा नॉर्थ, सब जगह अलर्ट दे दिया, येलो अलर्ट। और गर्म हवा ऐसी चल रही है ना, मुंह लाल हो गया है। और ये देखो इनका स्विमिंग पूल, वाह कितना पानी है, वाह वाह वाह, नहा लेते हैं यहाँ पे। ये तब गर्म गर्म पकौड़े फ्राई हो रहे हैं हमें। ये देखो पकौड़े कैसे बन रहे हैं बच्चों के, और ये एग्जाम दे के निकले हैं बच्चे सारे के सारे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो गर्मी ने एक बार फिर से ना अपना प्रकोप पकड़ लिया है, और आज मीटर पे दिखा रहा है 45, और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, और लू चल रही है। और न्यूज़ में देख रहा था कि अगले 4-5 दिनों तक ना, चाहे हिमाचल हो, पंजाब हो, पूरा का पूरा नॉर्थ, सब जगह अलर्ट दे दिया, येलो अलर्ट। किस चीज़ के लिए? गर्मी के लिए। देखो सर्दी के लिए, बरसात के लिए, बर्फ़ के लिए तो हमने अलर्ट बहुत बार देखा है, गर्मी में लू के लिए अलर्ट ना बहुत कम टाइम मिलता है, और वो भी हिमाचल जैसी जगह में। तो इसलिए मुझे लग रहा है अगले 4-5 दिन ना भरपूर और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी फिर से होने वाली है। पिछले एक हफ्ते दो हफ्ते से ऐसा लग रहा था कि थोड़ा रिलैक्स है। सो उम्मीद कर रहे हैं कि बाहर ना जाना पड़े, है ना, सारे का सारा काम जो है ऑफिस के अंदर का हो। तो जितना कम हो सके आप लोग भी अवॉइड करिए बाहर जाने के वाले काम, और या तो मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम में कर लीजिए, या फिर कम से कम ट्राई करिए। क्योंकि ऐसी गर्मी में अगर आपको लू लग गई ना, और आप ह्यूमिड होके और डिहाइड्रेशन बॉडी हो गई, तो आप बीमार भी हो सकते हैं। और हमारे ऑफिस में बेचारे कम से कम इस टाइम 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जो बीमार चल रहे हैं सिर्फ इसी वजह से, कभी गर्मी कभी सर्दी, और बॉडी में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। तो इसलिए अभी मैं भी देखो भरी दोपहर में लगभग 2 बजे ऑफिस जा रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे कहीं और जाना था, तो पहले मैंने वो काम निपटा दिया, उसके बाद घर आया, फिर रेडी हुआ, फिर अब ऑफिस जा रहा हूँ। तो होप सो कि मुझे बाहर ना जाना पड़े। Many hours later. तो दोस्तों आज सारा दिन गर्मी में ना बुरा हाल हो गया, और आज अपना भाई यशपाल घर से आया है, तो वो हमारे लिए लाया स्पेशल, देखो क्या मोमोज, कहाँ से, कुल्लू से, और जुमा जो कि इंटेस्टाइन का बनता है, और ये है मैडम जी का फेवरेट, तो इसलिए बेचारा वो लेके आया है। बस अभी हो गया है कोल्ड ड्रिंक लेने, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई थी, तो इनके तो मुंह में पानी आ रहा है, इनसे वेट नहीं आ रहा। हाँ थोड़ा सा आपको देखते हैं सॉफ्ट करके देंगे या ज्यादा गर्म करके माइक्रोवेव में। तो जी यशपाल भी आ गया है कोल्ड ड्रिंक लेके, और इसकी कटिंग देखो अब ये अब इसके ना बाल ही नहीं, जानबूझ के किया इसने ताकि मैं इसको ना पकड़ ना सकूं बड़े। अरे आ नहीं रहे, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, देखो हाथ में आ नहीं रहे, जैसे मेरे ना ऐसे, ये है ना जो शख्स ऐसे करती है ऐसे, और मैं भी करता हूँ ऐसे ऐसे नहीं है ना। पर यशपाल आ गया जी वापिस से बड़े दिनों बाद, तो अब इसकी ब्लॉग में भी वापसी होगी। और खाने को लाया देखो हमें, पीने को कोल्ड ड्रिंक भी ले आया बेचारा, ये चटनी है ये कुल्लू से, और यहाँ पे जो मैंने आइटम रखी है अभी गर्म होने, देखो वो भी आपको दिखाते हैं, और करते हैं मजे। वो जी हमारा डाइनिंग टेबल, हमारा बेड सज गया है, और यहाँ कोल्ड ड्रिंक सर्व हो रही है। यहाँ पे तो देखो भुखर ने शुरुआत भी कर ली है मटन मोमोज की, और उधर चल रहा है इंडिया US क्रिकेट मैच, जो कि मैं नहीं देखना चाहती, ये नहीं देखना चाहते हैं, बट ऑप्शन कोई है नहीं, अब क्या कर सकते हैं। ये आपको पहाड़ों में मिलेगा, उत्तराखंड के पहाड़ों में, हिमाचल के पहाड़ों में, और तिब्बतन एरिया में ये इंटेस्टाइन होता है, इसमें ब्लड और काफ़ी चीज़ें मिक्स करके बनाया जाता है। और इसका जो टेस्ट है ना एक अम्मा, और ऊपर से पूरा बॉडी को ना वार्म रखता ही है। तो यहाँ पे गर्मी बहुत है इसलिए थोड़ा कम क्वांटिटी में खा रहे हैं, बट पहाड़ों में तो 12 महीने खाया जाता है, और इनको ना बहुत पसंद है। आप एक वाइट खा के दिखाना जरा, देखो मैं तो ऐसे दांत के साथ चल रहा है आपके, ऐसे छोटे छोटे तो पूरे ही खा लेती थी मैं इतना। आहा। तो मेरे को से ऐसे खा। इनके मुंह से ना आहा नहीं निकल रही है, देखो आहा। सिग्नल निकल रहा है बस। The next day. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज गर्मी फिर से अपनी मंजिल और अपने रास्ते पे चल पड़ी है, और ये बिल्कुल पीछा छोड़ने वाली नहीं है। और आज मेरे साथ हैं हमारे पुराने शख्स मित्र, हमारे अमन,
और बहुत दिनों बाद, लगभग मुझे लग रहा है 2-3 हफ्ते बाद लास्ट टाइम जब आप कोल्ड कॉफी पिलाया था आपने। हाँ उस टाइम हम मिले थे, और उसके बाद मेरा भी कुछ ऐसा ही रहा, कभी घर कभी ऑफिस और कभी मनाली कभी कुल्लू। तो इसलिए आज हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मेरा ही काम है बेसिकली, इसने तो कर लिया अपना काम, तो वो डिले पे डिले हो रहा था और उसके बिना ना थोड़ा एग्ज़ाम में बैठने का इशू आ सकता है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी इशू हो। हालांकि मेरी फ़ोन पे बात हो गई है कि हो जाएगा काम, बट स्टिल जब तक अपने पास कागज़ ना हो ना तब तक हम मानते नहीं हैं, तो बस उसको निपटाने जा रहे हैं। तो अमन बेचारा मेरे लिए आ रहा स्पेशल, इनका कल पे कल ही नहीं आ रहा था, इनका फाइनली आज आ गया कल वो। तो ये बेचारा पिछले एक हफ्ते से बोल रहा है भाई करवा दो अपना काम करवा दो, तो आज कुछ चीज़ें ऑफिस में सेटल डाउन हो गई हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलो आज 1-2 घंटे यूनिवर्सिटी में लगा के काम भी निपटाते हैं, थोड़ी बात भी हो जाएगी, थोड़ा मिलना भी हो जाएगा, और एग्ज़ाम के लिए थोड़ा साइकोलॉजी और माइंडसेट भी बन जाएगा कि एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आ चुके हैं 15 दिन बाद। ओ 15 दिन बहुत है, 15 दिन में कितने घंटे हैं, कितने मिनट हैं, कितने सेकेंड्स हैं, काफ़ी है। तो बस ये तो पढ़ता रहता है बेचारा, पता नहीं नहीं मैं पढ़ता नहीं, मैं घर में सोना खाना घर के काम या बाहर। तो चलो अब पहुंचते यूनिवर्सिटी फटाफट। सिर्फ हमें 5 मिनट भी नहीं हुए गाड़ी से उनको उधर गाड़ी से यहाँ आते आते ना, और गर्म हवा ऐसी चल रही है ना, मुंह लाल हो गया है और ऐसा लग रहा है कि बॉडी में ना पानी की कमी हो रही है 5-10 मिनट की वॉक से। क्या हालत ख़राब है, देखो मैक्सिमम लोग ना मुंह ढक के चल रहे हैं, खासकर लड़कियाँ बेचारी। अमन ने तो स्लीव्स पहन ली है इसने, ये ठीक कर लिया। और ये देखो रेनोवेशन के बीच में गेट की तैयारी, गेट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, लेते हैं एंट्री। तो गर्मी में बचना तो पड़ेगा। ये वाली शॉप्स भी देखो ऑलमोस्ट रेडी होगी है ना मन, मुझे लग रहा है ऑफिस का एडमिशन सेल होगा या फिर टक शॉप टाइप होगी, छोटे मोटे कैफेटेरिया टाइप। सम टाइम लेटर तो अभी हम डिपार्टमेंट जाके आ गए और सर आज आए नहीं है, तो हमें ये तो मिल गया पेपर, इसमें हमारी फीस रिसिप्ट आ गई है। अब जाना है एडमिशन सेल में, वहाँ पे नो ड्यूज़ पे साइन करवाने हैं, फिर जाके सर से बात हुई फ़ोन पे, बोलते मेरे ड्रॉअर में रखवा दो, फ़ोटो खींच के मुझे भेज दो, तो मैं आपका जो है नो ड्यूज़ क्लियर करवा दूंगा, दूसरी बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस धूप में देखते हुए ना ऐसा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ आना पड़े तो एग्ज़ाम में आना पड़े, अदरवाइज़ ना आना पड़े, अदरवाइज़ ये यूनिवर्सिटी वाले ना ऐसा उलझाते हैं। क्यों भैया गर्मा गर्म पकौड़े में फ्राई करेंगे हमें अब गर्मा गर्म। और ये देखो इनका स्विमिंग पूल, वाह कितना पानी है, वाह वाह वाह, नहा लेते हैं यहाँ पे। ये तब था ना जब हमने 1000 रुपये दिए थे अब वो पैसे खत्म हो गए, पानी भी खत्म हो गया। अभी ना ये लोग ऐसा दिमाग खराब कर रहे हैं ना, और अभी बोल रहे हैं जो आपने 1200 फीस दी थी एग्जामिनेशन की, वो वाली भी आप स्लिप इसमें अटैच करो। अब स्लिप कौन संभाल के रखता है, तो शुक्र है हमने फोटो खींची है और मैंने अमन को भेजी है, अदरवाइज़ ये लटका देते हैं हमें। अब वो प्रिंट आउट करके इसमें लटकानी है, फंसानी है, स्टेपल करनी है, उसके बाद जाके करेंगे ये, तब तक नहीं करेंगे। और अमन गर्म गर्म पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, ये देखो पकौड़े कैसे बन रहे हैं बच्चों के, और ये एग्ज़ाम दे के निकले हैं बच्चे सारे के सारे। तो आधे शूट में फ़ोन हमारा बंद हो गया था, इसलिए हमें आना पड़ा फिर से हमारे भाई साहब के पास, और हमेशा हम ना फ़ोन यहीं चार्ज करते हैं, और दिमाग लगाया इसने, बोलते कॉफ़ी पी लेते हैं, मैगी भी खा लेते हैं, तो कॉफ़ी और मैगी पी के हमने डब्बे उधर रख दिए, और गर्मी इतनी है ना कि कपड़ों के अंदर ना पसीना छूट रहा है। चल ठीक है भाई, थैंक यू। तो बस अब फोटो स्टेट करवाते हैं, वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, डॉक्यूमेंट अच्छा मेरे पास है बस, और नहीं ये नहीं करवानी है, हमने स्लिप करवानी है ना, तो वो करवा के फिर सड़ी सी धूप से छुटकारा मिल जाएगा, बस कहीं और ना भगाएं अब। तो दोस्तों अभी फाइनली हम लोग गाड़ी के पास पहुंच रहे थे, हमें लगा सारा काम हो गया, इधर गाड़ी इधर मैं अमन, और मैसेज आ रहा है सर का कि अभी लाइब्रेरी से तो आपने साइन नहीं करवाए, और 4 चक्कर तो पहले फ़ोटो स्टेट और प्रिंट आउट के लिए लगवाए, और
अब बोल रहे हैं एक बार वहाँ पे साइन करवा दो। अब थक गए, मतलब पहले गाड़ी में बैठ के ना ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि क्या करना है, फिर से जाना है या फिर घर चले जाना है। Sometime later. So, दोस्तों थक हार के ना हम तीसरी बार आ गए वापस यूनिवर्सिटी। अब तो हालत खराब हो गई है और ऊपर से चल रहा लंच, और उधर सामने देखेंगे आप स्टाफ रूम में ना सारी मैडमें गप्पे मार रही हैं, और इधर अमन मैं और पूरा क्लासरूम खाली। कुछ NSS के बच्चे बैठे थे वो चले गए। अब हमें क्यों बुलाया है, सर का मैसेज आया नो ड्यूज सबमिट करने के बाद कि अभी आपको लाइब्रेरियन से भी साइन करवाने हैं। हमने बोला सर एक ही बार लिस्ट बता दो क्या क्या करना है, हम बार बार नहीं आ सकते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, फिर आए फिर बैठे फिर आए। तो अभी लाइब्रेरियन उनका भी लंच चल रहा है, तो उनको तो हमने रिक्वेस्ट करके बोल दिया कि साइन कर दो, और जहाँ हमने सबमिट कर रखा था वहाँ पे चल रहा है लंच ब्रेक। तो अभी 20-25 मिनट और वेट करना पड़ेगा, तो उसके बाद जाके फॉर्म वापस मिलेगा, फिर लाइब्रेरियन के पास जाना है, फिर साइन करके फिर सबमिट करना है। सो मच हेक्टिक। और आज की टेक की लाइफ में, टेक दुनिया होने के बावजूद सब कुछ ऑफलाइन हो रहा है, तो ज़्यादा कुछ रिकमेंडेड नहीं है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन मेरी साइड से, तो अमन की साइड से नहीं पता मेरे को, रिकमेंड करता है यहाँ पे इनका सिस्टम सही है, बिल्कुल नहीं है, हालत ख़राब है।